स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube के चैनल What Will Happen Next पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह को। और एक खास बात आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी चिन्ह हैं उनके नीचे जो इनके उत्तर हैं, मैंने उन उत्तरों को इस ब्लैक टेप से ढक दिया है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो पे देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिनके उत्तर आप लोगों को पता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आप लोगों को टाइम देता रहूँगा और आप उसके बाद मैं इस ब्लैक टेप को हटाता रहूँगा और देखते हैं कि इतने सारे चिन्ह में से कितने चिन्ह का उत्तर आप लोग सही दे पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे साइन हैं, एक एक करके रैंडमली कोई भी हम लोग सिग्नल को उठाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए इस सिंबल का क्या मतलब है। ठीक है, ट्रैफिक का ये सिंबल आप लोगों को क्या बताता है? ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने। चलिए मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। फ्रेंड, ट्रैफिक का यह सिंबल बताता है गाड़ी खड़ी करना मना है, मतलब नो पार्किंग को बताता है। ठीक है, ट्रैफिक का यह सिंबल क्या बताता है? नो पार्किंग को बताता है। अच्छा फ्रेंड्स, चलिए मुझे आप लोग बता दीजिए कि ट्रैफिक का यह सिंबल क्या बताता है। ठीक है, ट्रैफिक का यह सिंबल क्या बताता है? आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर भी दिखाऊँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा भी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता हूँ। चौड़ाई सीमा, ट्रैफिक का ये सिंबल हम लोगों को बताता है चौड़ाई सीमा के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ पर लगा हुआ है ये देखिए, ये दो एरो है ना, और 2m का मतलब 2 मीटर, तो चौड़ाई सीमा कितनी है? 2 मीटर है चौड़ाई सीमा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अच्छा इसके बगल वालों को ही बता दीजिए, ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे बहुत ईजिली बता सकते हैं। ये क्या बताता है, ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बता रहा है? अच्छा चलिए पहले मैं आप लोगों को इस सिंबल का सही उत्तर बता देता हूँ, ऊंचाई सीमा। ठीक है, ये ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है? ऊंचाई सीमा को बताता है। ये देखिए, ये एक एरो यहाँ पर है और एक एरो यहाँ पर है, तो ये ऊंचाई को बता रहा है। कितनी ऊंचाई है? 3.5 मीटर ऊंचाई को बता रहा है। ठीक है, चलिए इसे अगर मैं डिस्कस करूँ तो ट्रैफिक के ये सिंबल आप लोगों को जनरली कहाँ पर मिलेंगे मालूम है? रोड पर, जहाँ पर आप लोगों के टनल होते हैं ना, टनल। ठीक है, रोड पे टनल्स होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो टनल के पास आप लोगों को ये सिंबल्स मिलते हैं। यार अगर सपोज करो टनल की चौड़ाई 2 मीटर से कम है और आपकी गाड़ी की चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा है, तो आप लोग उस टनल पे जा ही नहीं सकते हो। और सपोज करो टनल की ऊंचाई 3.5 मीटर से कम है और आपकी गाड़ी की ऊंचाई 3.5 मीटर से ज़्यादा है, तो आप लोग उस टनल पे जा ही नहीं सकते। तो टनल के पास जो आप लोगों के होता है, वहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है, ये दो सिंबल। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, चलिए रैंडमली कुछ भी उठाते हैं। ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है? चलिए सिंपल है ये तो बहुत, होपफुली सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। जी हाँ फ्रेंड, इसका सही उत्तर है साइकिल निषेध, मतलब इस जगह पर जहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखता है, वहाँ पर आप लोग साइकिल लेकर उस पर्टिकुलर रोड पर एंटर नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है? उसके बगल वाला ही, बहुत ही सिंपल है। क्या बता रहा है? ये एक आदमी है, आदमी पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब जी हाँ जो आप सोच रहे हैं वही इसका उत्तर है, पैदल यात्री निषेध। मतलब बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ पर कि आप लोगों के पैदल यात्री और साइकिल वाले अलाउड नहीं होते। कहाँ पर अलाउड नहीं होते? फ्लाईओवर के ऊपर। फ्लाईओवर के ऊपर पैदल यात्री भी अलाउड नहीं होते और साइकिल वाले भी अलाउड नहीं होते, तो फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पर ही आप लोगों को ये सिंबल दिख जाएगा। ठीक है, कि पैदल यात्री फ्लाईओवर पर ना जाए, साइकिल लेकर आप लोग फ्लाईओवर पर ना जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए इससे बताइए आप लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखता हूँ कितने लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलिए मैं आप लोगों को सही उत्तर बता देता हूँ और देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर बता पाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस ट्रैफिक के सिंबल का मतलब है ओवरटेकिंग मना है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये एक रोड है, ये रोड इस रोड से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, और उस पे क्या कर रखा है? क्रॉस कर रखा है, मतलब ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा चलिए आप लोग मुझे ये बताइए, ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है? ये वाला सिंबल बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है ये। चलिए मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ।
फ्रेंड इसका उत्तर है रोग समाप्ति चिन्ह। ठीक है, रोग समाप्ति चिन्ह से मतलब क्या है मेरा, आप लोगों ने देखा होगा आप लोग फ्लाईओवर पे जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत जगह पर स्पीड लिमिट होती है। जैसे ही आप लोग फ्लाईओवर पे चढ़ते हो तो स्पीड लिमिट लिखी होती है, यार कार 50 की चला सकते हो आप लोग मैक्सिमम, हैवी गाड़ी 40 की से मोटरसाइकिल 30 की, ऐसी स्पीड लिमिट लिखी होती है। तो जब आप लोग फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर ये सिंबल लगा होता है, इसका मतलब स्पीड पे जो रोक लगी हुई थी, स्पीड पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, वो रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, तो ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है कि स्पीड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो रिस्ट्रिक्शन समाप्त होती है। ठीक है, होपफुली बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे बता दीजिए आप लोग इसका मतलब क्या होता है, ट्रैफिक का ये सिंबल आप लोगों को क्या बता रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सभी लोगों ने बता ही दिया होगा, ये सिंबल हमें बताता है प्रवेश निषेध। ठीक है, इसका मतलब आप लोग इस रोड पर एंटर नहीं कर सकते। देखो ये रोड है एक, और उस रोड को क्रॉस कर दिया गया है, मतलब आप लोग इस रोड पर एंटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर, ओके। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है आप लोगों को। ये देख रहे हैं, ये तो क्या है, गाड़ी खड़ा करना मना था। अच्छा, अब इस पे क्या खास बात है, इस पे एक ना होकर क्या है, दो क्रॉस है इस वाले पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। एक तो गाड़ी रोकना व खड़ा करना, दोनों मना है। मतलब आप लोग, अगर आप लोगों को रोड पर ट्रैफिक का ये सिंबल दिखता है ना, तो उस पर्टिकुलर रोड पर आप लोग गाड़ी रोक भी नहीं सकते हो। पार्क करना तो अलग बात है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आप लोग पार्क नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, आप लोग गाड़ी वहाँ पर रोक ही नहीं सकते हैं, रोक ही नहीं सकते तो पार्क कैसे करोगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह पर, जैसे सपोज करो आप किसी जंगल वाले रोड से जा रहे हो, ठीक है, जंगल वाले रोड से जा रहे हो, और सपोज करो उस जंगल वाले रोड पे हाथी लोग बहुत हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा हाथी लोग बहुत सारे इंसिडेंट कर देते हैं रोड पे, तो वहाँ पर क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, जंगल के बीच में रुक जाते हैं और वहाँ पे फोटोग्राफ्स लेने लग जाते हैं। ठीक है, और सपोज करो उसी टाइम वहाँ पर हाथी का झुंड आ गया ना, तो वो आप लोगों को परेशान कर सकता है। तो क्योंकि आप लोग तो उस रोड पर नए हो, तो आप लोगों को पता नहीं है कि यार यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पर ये सिंबल आप लोगों को दे दिया जाता है। जैसे ही आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यार यहाँ पर मैंने रुकना नहीं है। सिमिलरली फ्लाईओवर के ऊपर भी ये सिंबल दिखाई देता है कि यार फ्लाईओवर पर भी आप लोगों ने रुकना नहीं है, आप लोगों ने चलता ही जाना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना ये सिंबल, ओके। इसके बगल वाले ही का चलिए बता दीजिए, बहुत ही सिंपल है ये तो। ठीक है, ये क्या बताता है आपका, चलिए मैं आप लोगों को उत्तर दिखा देता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों का बताता है गति सीमा को। ठीक है, ये क्या है, गति सीमा, मैक्सिमम गति सीमा है, ये मिनिमम नहीं है। पता चले आप लोगों ने 50 देखा तो आप लोग क्या सोचने लगो कि 50 मिनिमम चलाना है। फ्रेंड ये जो होता है ये मैक्सिमम स्पीड को बताता है। ठीक है, कि 50 से ऊपर आप लोग नहीं चला सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, चलिए ये बता दीजिए ये क्या है, ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बता रहा है आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को पहले उत्तर दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखिए, ठेला गाड़ी निषेध है। आप लोग देख रहे होंगे ना, एक आदमी ठेला लेकर चल रहा है, तो बहुत सारे जगह पर ठेला लेकर अंदर रोड पर जाना मना होता है, तो वहाँ पर ये सिंबल दिखाई दिया जाता है। ठीक है, ठेला गाड़ी निषेध है, ये क्या बता रहा है आप लोगों को। ये भी बहुत सिंपल है, सब लोगों ने सोच लिया होगा। ठीक है, पहले उत्तर दिखा देते हैं उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सभी मोटर वाहन निषेध, आप लोग देख रहे होंगे ना, बाइक है, कार है, और सब पे क्रॉस कर रखा है, मतलब मोटर वाहन लेकर आप लोग उस रोड पर जा नहीं सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए इसे बता दीजिए, ये तीनों एक ही साथ है, बहुत ही सिंपल है, बैलगाड़ी है ना ये। ठीक है, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा उत्तर भी क्या है। चलिए, क्या है, बैलगाड़ी निषेध है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था फ्रेंड ये तो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए ये बताइए मुझे, ये दो, ये क्या बता रहा है आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को पहले उत्तर दिखा देता हूँ। ये बताता है आप लोगों का भार सीमा, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की गाड़ी के साथ कितना वेट हो सकता है अलाउड। ठीक है, तो ये 5 T किसे डिनोट कर रहा है, टन को, 5 टन वेट बता रहा है, मैक्सिमम अलाउड वेट कितना है,
5 टन है, ठीक है। अगर 5 टन से ज़्यादा है आप लोगों की गाड़ी पे वजन, तो आप लोग उस रोड पर जा नहीं सकते हो, अगर जाओगे तो पेनल्टी पड़ेगी। अच्छा, ये क्या बता रहा है ट्रैफिक का, ये साइन क्या बता रहा है? ये भी सिंबल है, देखिए ये क्या है, गाड़ी का एक्सेल है, गाड़ी का एक्सेल है ना, ये बता रहा है कि गाड़ी के एक्सेल पे, मतलब गाड़ी पे जो वजन आप लोगों ने डाला हुआ है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 टन हो सकता है, ठीक है। एक्सेल पे मतलब गाड़ी पे जो लोड लिमिट है वो कितने की है, 4 टन की है। ओहो, मैंने पहले ही बता दिया, मैंने आप लोगों से तो पूछा ही नहीं। देखिए एक्सेल भार सीमा बता रहा है ये आप लोगों को, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये बता दीजिए ऊपर वाला, ये क्या बता रहा है आप लोगों को? फ्रेंड्स ये आप लोगों को बता रहा है, जी हाँ, जो आप लोग सोच रहे हो वही है, ये आप लोगों को बता रहा है लंबाई सीमा की, गाड़ी कितनी लंबी गाड़ी अलाउड है उस रोड पे। देखो सपोज करो ये पहाड़ है और पहाड़ पे एकदम से शार्प टर्न है, एकदम शार्प टर्न है, ठीक है, और इस टर्न पे मैक्सिमम 8 मीटर की गाड़ी ही टर्न ले सकती है, और अगर आप उस पे 10 मीटर की गाड़ी लेकर घुस गए तो आप लोग क्या हो, इस टर्न पे, इस कर्व पे आप लोग टर्न ही नहीं ले पाओगे, मुड़ ही नहीं पाओगे तो आप लोग यहीं पर रुक जाओगे। अगर आप लोग यहीं पर रुक गए तो सारा ट्रैफिक पीछे से वहीं पर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, चलिए आप लोग मुझे बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। नहीं, इससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूँ, दाहिना एक तरफा, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ये क्या आप लोगों का, ये आप लोगों का राइट हैंड साइड है, ये क्या आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्रॉस कर रखा है, मतलब बाईं तरफ आप लोग नहीं जा सकते, तो दाहिना एक तरफा, राइट हैंड साइड की तरफ वन वे रोड है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, अब ये मैंने बता दिया तो ये तो आप सबको पता चल गया होगा, जी हाँ, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है, मुझे पता है हर कोई यही सोच रहा है, जी हाँ, बायां एक तरफा, देख लीजिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, दाएं वाले को क्रॉस कर रखा है तो बायां वाला एक तरफा, क्लियर। ओके चलिए बगल वाले को भी बता दीजिए, ये भी बहुत ही सिंपल है, क्या बता रहा है ये, हाँ जो आप सोच रहे हो वही है। देखिए वाहनों का आना जाना निषेध है, कैसे पता चला, देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, दायां बायां और दोनों पे क्रॉस है, इसका मतलब ना राइट से जा सकते हैं ना लेफ्ट से जा सकते हो, इसका मतलब गाड़ी लेकर ही वहां पर आप लोग नहीं जा सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये तो। ओके चलिए ये बता दीजिए बगल वाला, ये तो सार को ही बता दे रहा होगा, हॉर्न दिख रहा है, हॉर्न पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब हॉर्न निषेध है, मतलब आप लोग वहां पर हॉर्न नहीं बजा सकते हो, हॉर्न बजाना निषेध है, बहुत ही सिंपल था। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा फ्रेंड सही आंसर, अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है आप लोगों ने। देखिए मैं उत्तर दिखा देता हूँ, आप लोग वही सोच रहे होंगे, जी हाँ, दाएं मुड़ना मना है, देखिए यहाँ से ये राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा था ना, और उसे हमने क्रॉस कर दिया, मतलब दाएं मुड़ना मना है। इस पे देखिए ये क्या है, चलिए पहले आप लोगों ने सोच लिया होगा, उत्तर दिखा देता हूँ उसके बाद डिस्कस करता हूँ। जो आप लोग सोच रहे हो वही इसका उत्तर है, बायां मुड़ना मना है, देख रहे होंगे ना, बाएं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये मुड़ रहा है, ये राइट हैंड हो गया, तो बाएं की तरफ मुड़ना मना है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा ये क्या बता रहा है आप लोगों का, ये भी बहुत सिंपल है आप लोगों को, देखिए जो आप सोच रहे हो वही है इस प्रश्न का उत्तर, ट्रक मना है, देख रहे हो ना, ट्रक है और ट्रक पे क्रॉस हो रखा, मतलब ट्रक अलाउड नहीं है। बगल वाला देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, जी हाँ, जो आप सोच रहे हो वही इसका उत्तर है, ये देख लीजिए टांगा मना है, दिख रहा है ना आपको, टांगा गाड़ी है ना, ये टांगा गाड़ी पे क्रॉस कर रखा है, मतलब इस पर्टिकुलर रोड पे आप लोग टांगा गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। अच्छा ये बताइए ये क्या बता रहा है, ठीक है, वैसे ये सिंपल है, क्या बता रहा है, चलिए पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न का, इस सिंबल का सही उत्तर बता देता हूँ। ये देखिए वापस मुड़ना मना है, देख रहे हो ना, ये सीधा आगे जा रहा था और उसी पे मुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वापस मुड़ना मना है, फ्लाईओवर पे होता है ये सिंबल आप लोगों का, क्योंकि फ्लाईओवर पे एक बार आप लोग चढ़ गए तो वहाँ पर आप लोग यू टर्न लेकर यहीं उसी रोड पर नहीं आ सकते हो, ठीक है, जब तक आप लोगों को फ्लाईओवर से कनेक्टिंग फ्लाईओवर मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आप लोगों का, वापस मुड़ना मना है। चलिए फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है, स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब सिंपल रुकिए, ठीक है, ये शेप होता है स्टॉप के लिए, ठीक है। अच्छा
ये गिव वे, गिव वे मतलब रास्ता दीजिए, देखिए ये क्या है मार्ग दे, और ये क्या बता रहा है आप लोगों का, ये भी सिंपल है, क्या बता रहा है ये एक रेड के अंदर एक वाइट नेगेटिव साइन, ये बता रहा है आप लोगों का प्रवेश निषेध है, मतलब एंट्री आप लोग उस रोड पर नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पे हम लोगों ने आप लोगों के साथ आदेशात्मक चिन्ह डिस्कस किए, सड़क के चिन्ह डिस्कस करे, एंड होपफुली आप लोगों ने बहुत नमली एक एक करके उठाते हैं। चलो सबसे पहले आप लोगों ने बताना है ट्रैफिक के इस सिंबल का मतलब क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इतना टाइम काफ़ी है, अब मैं इसे हटाता हूँ और दिखाता हूँ सही उत्तर क्या है। फ्रेंड ट्रैफिक के इस सिंबल का मतलब होता है संकरा पुल, नैरो ब्रिज। ओके फ्रेंड्स चलिए अब मुझे आप लोग बताइए इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, होपफुली आप लोग सोच चुके होंगे। फ्रेंड इस सिंबल का मतलब होता है आगे स्कूल है, जब भी आगे कहीं रोड पे स्कूल होगा ना तो वहां पर आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखेगा। चलिए फ्रेंड रैंडमली उठाते हैं, अच्छा आप लोग मुझे बताइए कि ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है आप लोगों को, ये तो सिंपल है होपफुली सभी को पता भी होगा। फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, जी हाँ फ्रेंड ये बताता है आप लोगों के साइकिल क्रॉसिंग को, क्रॉसिंग मालूम है कैसे पता चल रही है, जो रोड पे ये डॉट डॉट लाइन है ना ये क्रॉसिंग को बता रही है, ठीक है, और साइकिल बनी है तो साइकिल क्रॉसिंग। चलिए फ्रेंड रेंडमली उठाते हैं, कुछ भी उठाते हैं, ओके मुझे आप लोग ये बता दीजिए इस साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है चलिए उत्तर बता देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। फ्रेंड ट्रैफिक के इस सिंबल का मतलब है दाहिना घुमावदार मोड़, मतलब आप लोगों के राइट हैंड साइड की तरफ एक घुमावदार मोड़ है, देख लीजिए राइट हैंड साइड की तरफ ये मोड़ मुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया दाहिना घुमावदार मोड़। ओके फ्रेंड्स चलिए अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर है गोल चक्कर, जी हाँ फ्रेंड्स ये ट्रैफिक का सिंबल बताता है आप लोगों को गोल चक्कर के बारे में। ओके फ्रेंड चलिए इसी के बगल वाला ये जो है इसका उत्तर बताइए मुझे, बहुत ही आसान है। चलिए फ्रेंड्स होपफुली आप सभी लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा, जी हाँ फ्रेंड्स शायद जो आप लोग सोच रहे हो वही इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है आदमी काम कर रहा है मैं नेटवर्क। आप लोग देखा होगा जब रोड पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे होते हैं या रोड पे कुछ भी मेंटेनेंस का वर्क चल रहा होता है तो वहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है। अच्छा फ्रेंड्स चलिए चलिए आप लोग मुझे इस सिंबल का मतलब बता दीजिए, और जिसने इस सिंबल का सही मतलब बता दिया ना वो मेरे हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट को इजीली पास कर लेगा, सफिशिएंट टाइम में सोच लिया। चलिए मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ, फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर है मध्य पट्टी में अंतर, मैं आप लोगों को चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मध्य पट्टी में अंतर क्या होता है। देखिए आप लोगों के साथ एक रोड होती है ना, रोड के बीचों बीच क्या होता है डिवाइडर होता है ना डिवाइडर, जो रोड को दो हिस्सों में बांटता है, एक रोड ये एक रोड ये, तो जब डिवाइडर के बीच में गैप होता है ना, ये जो डिवाइडर है ये डिवाइडर यहाँ देखो ये जो डिवाइडर है इस डिवाइडर के बीच के गैप को बताता है, ठीक है ठीक है, गैप इन मीडियन भी बोलते हैं, मीडियन मतलब जो रोड को दो हिस्से में डिवाइड करती है, तो मध्य पट्टी में अंतर, ठीक है फ्रेंड्स सिंपल था। ओके चलिए चलिए फ्रेंड इसका मुझे उत्तर बता दीजिए, ये तो बहुत ही सिंपल है होपफुली आप सब इजीली इसे बता देंगे, आप लोगों ने सोच लिया होगा उत्तर। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। फ्रेंड इस ट्रैफिक के इस सिंबल का सही उत्तर है आगे रास्ता संकरा है, देख रहे हो ना रोड आगे क्या हो रही है नैरो हो रही है, तो आगे रास्ता संकरा है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स अच्छा ये ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है आप लोग मुझे बताइए, चलिए बहुत ही सिंपल है, आदमी दिख रहा है और ये क्रॉसिंग सी दिख रही है, क्या कहते हैं इसे, जी हाँ फ्रेंड जो आप लोग सोच रहे हो वही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये है आप लोगों का पैदल क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग को और क्या बोलते हैं हम लोग, पैदल क्रॉसिंग को हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं, तो आप लोग जो सोच रहे थे फ्रेंड्स वो एकदम सही था। ओके फ्रेंड्स चलिए ये बताइए मुझे कि ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है सोच लिया, चलिए उत्तर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर बताऊँगा। ये देखिए फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है वाई सड़क संगम, आप लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट वाई दिख रहा है ना, एक्स वाई वाई का शेप दिख रहा है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाई सड़क संगम, वाई इंटरसेक्शन। चलिए
इसी के बगल वाला ही मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, एकदम ही सिंपल, ये वाई सड़क संगम है तो ये कौन सा सड़क संगम होगा, कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है मुझे, टी दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे टी तिराहा, मतलब टी इंटरसेक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान था ये वाला प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स ऊपर का देख लेते हैं। अच्छा इसे बताइए मुझे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका क्या उत्तर होगा फ्रेंड। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इसके लिए, होपफुली अब आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए मैं इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर दिखा देता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाएं मुड़कर फिर आगे। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो। देखिए आप लोग सीधा जा रहे थे, सीधे के बाद आप लोग किस तरफ मुड़ गए, बाएं मुड़ गए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ गए ना, आपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ गए, तो ये बाएं मुड़कर फिर सीधा आगे चले गए, आप लोग समझ गए, बाएं मुड़कर फिर आगे। होपफुली बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर भी बता दिया होगा इसका। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, ये कौन सी तरफ मुड़ रहा है आप लोगों के, ये आप लोगों के बाईं तरफ मुड़ रहा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बायां घुमावदार मोड़। यहाँ पर दिख रहा था ये दाहिनी घुमावदार मोड़ था, तो ये क्या था आप लोगों का, बायां घुमावदार मोड़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टिपिकल सा पूछूं आप लोगों से। चलिए मुझे ये बता दीजिए, ये क्या है आप लोगों का, ये दोनों एक साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। देखिए एक रोड है, दो रोड साइड से मिल रही है, ये भी सेम टू सेम है। चलिए मैं आप लोगों को उत्तर दिखाता हूँ, जिन्हें पता होगा उन लोगों ने सोच लिया होगा। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है विषम सड़क संगम, और इसका भी वही उत्तर है विषम सड़क संगम। विषम मतलब होता है स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन मतलब देखो ये मेन रोड थी, ये एक रोड यहाँ पर मिली आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड से, सीधी गई फिर राइट हैंड साइड से मिल रही है फिर आगे। विषम मतलब कठिन, देख रहे हो ना आप, एक सीधी रोड है, इस पे पहले लेफ्ट से आ रही है, फिर राइट से रोड कनेक्ट हो रही है, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, इस टाइप की जो आप लोगों के रोड्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन रोड भी बोलते हैं और विषम सड़क संगम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए ये तो हो गया। अच्छा ये बता दीजिए मुझे, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा क्या है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए पहले मैं आप लोगों को उत्तर दिखा देता हूँ। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है दोहरा रास्ता शुरू। आप लोग देख रहे हो ना, एक रोड जा रही थी और एक रोड क्या है, दो रोड में बट गई, तो एक रोड से दो रोड हो गया, तो दोहरा रास्ता हो गया। ठीक है, चलिए इसके बगल वाले का बता दीजिए, सिंपल है बहुत ही, ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा क्या है इस पे। चलिए पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोहरा रास्ता समाप्त। आप लोग देख रहे होंगे दो रोड है और दो रोड आपस में क्या हो गई, सिंगल रोड हो गई। इसका मतलब जो दो रोड थी वो रोड आपस में क्या हो गई, खत्म हो गई। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं ऊपर के, ये दो बता दीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये क्या होगा आप लोगों का, इसका क्या उत्तर होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, दाहिना मोड़। आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो आप लोगों के राइट हैंड साइड की तरफ रोड मुड़ रही है, तो ये दाहिना मोड़ हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये पता चल गया, तो ये ऑटोमेटिकली पता चल गया। ये क्या है आप लोगों के बाईं की तरफ मुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, बाईं मोड़ हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए बायां मोड़ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए मुझे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बहुत ही सिंपल है, दिख ही रहा है फ्रेंड्स, ये देखो। पहले मैं उत्तर बता देता हूँ फिर आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखो क्या है फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर, आगे रास्ता चौड़ा है। देखिए यहाँ तक रोड क्या थी, पतली थी, और यहाँ आके रोड क्या हो गई, चौड़ी हो गई, तो आगे रास्ता चौड़ा है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा चलिए अब ये दो कर लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, ये भी वैसे तो बहुत ही सिंपल है, पहले मैं आप लोगों ने सोच लिया होगा क्या होगा इसका उत्तर। चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये क्या है, दाहिनी सड़क संकरी। देखो दाहिनी मतलब राइट हैंड साइड की सड़क क्या है, नैरो हो रही है। देखो ये सीधी रोड थी, ऐसी होती है कि स्ट्रेट रोड है, बट इस पे क्या हो रहा है आप लोगों का, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। राइट की तरफ से रोड क्या हो रही है, पतली हो रही है, हो रही है ना पतली रोड, तो दाहिनी सड़क संकरी, सिंपल। अच्छा चलिए इस ट्रैफिक के सिंबल का सही आंसर बताइए मुझे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, होपफुली सभी ने सही बता दिया होगा, क्यों, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, बाईं की तरफ से रोड संकरी हो रही है, तो बाईं सड़क संकरी। ठीक है, होपफुली सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिया होगा।
चलिए फ्रेंड्स, अच्छा ये बताइए मुझे, ठीक है अब तो कुछ ही बचे हैं, दो चार ही बचे हैं, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए पहले आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं आप लोगों को उत्तर दिखा देता हूँ। ये देखें, बाईं और पार्श्व सड़क, पार्श्व सड़क मतलब साइड रोड, ठीक है साइड से जो रोड आती है ना बाईं ओर से आ रही, देखो ये राइट हो गया ये दायां हो गया, ये लेफ्ट हो गया ये बायां हो गया, बाईं ओर से साइड रोड इस मेन रोड पे कनेक्ट हो रही है, तो बाईं ओर पार्श्व सड़क, क्लियर, बाईं ओर से साइड रोड इस मेन रोड पे कनेक्ट हो रही है। इस पे क्या हो गया, इस पे क्या होगा, इस पे आप लोगों को दिख रहा है, होपफुली आप सभी लोगों ने उत्तर भी दे दिया होगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है, दाहिनी और पार्श्व सड़क, इस पे क्या था, बाईं ओर से ये रोड आ रही थी, साइड रोड आ रही थी, इसमें आप लोगों के राइट हैंड साइड से मतलब दाहिनी ओर से आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रही है ना, तो दाहिनी और पार्श्व सड़क, सिंपल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये बता दीजिए, चलिए इन दोनों को भी ख़त्म कर देते, ये कुछ नहीं है फ्रेंड, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका उत्तर क्या है, उत्तर है आप लोगों का मुख्य सड़क, मुख्य सड़क, और इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है, मुख्य सड़क। अब मुख्य सड़क ही बताया गया है, बट अगर आप लोग देखोगे तो ये एक मेन रोड है और इस मेन रोड पे नीचे से साइड रोड कनेक्ट हो रही है, ठीक है नीचे से, और ये मेन रोड है, इस पे ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से साइड रोड कनेक्ट हो रही है। चलिए फ्रेंड्स अब तो हम लोगों के चार ही बचे हैं, ये बता दीजिए, देखिए ये मैंने बताया था तो ये आप लोगों के लिए सिंपल है बताना, वाई शेप दिख रहा है, थोड़ा सा इंट दे देता हूँ, वाई शेप दिख रहा है दोनों पे। चलिए जिन्हें पता होगा उन लोगों ने सोच लिया होगा उत्तर, हटा देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स उत्तर क्या है, बाई बाया वाय सड़क संगम, मैंने बताया था ना शेप क्या है, वाय है, और वाय ये किस तरफ है, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, बाई तरफ है ना, इस पे क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मैंने आप लोगों को पूरा ही बता दिया, दाया वाई सड़क संगम, ये देख लीजिए दाहिना वाई सड़क संगम, बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब दो ही बचे हैं हमारे पास, अच्छा इसे बताइए आप लोग, ये क्या है आप लोगों का, देखो दोनों तरफ रोड चल रही है, चलिए होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा, दो तरफा रोड जहाँ पर दोनों तरफ ट्रैफिक चलती है वहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल दिखाया जाता है। ओके लास्ट ये बहुत ही सिंपल है, क्या है ये, जी हाँ जो आप सोच रहे हो वही है, ये चौराहा है, क्यों, क्योंकि चार रोड यहाँ पर आके कनेक्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पे हम लोगों ने सचेतक सड़क चिन्ह डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और होपफुली जितने भी सिंबल्स हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किए होंगे उनमें से ज़्यादातर का उत्तर आप लोगों ने सही दिया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है किसी भी सिंबल पे तो आप लोग हमारे पुराने और वीडियोस देख सकते हैं जिन पे हम लोगों ने इन सारे सिंबल्स को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। फ्रेंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद वाला अगला वीडियो भी पक्का से देखिएगा, बिकॉज उस पर भी हम लोग बहुत सारे ट्रैफिक के साइन ऐसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।